हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आए हैं घूमने कैची धाम। 15 जून है, यहाँ का स्थापना दिवस है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, और यहाँ के जो बाबा थे श्री नीम करोली महाराज, उनकी भी। मुक्तेश्वर से खैरना तक हम अपनी यहाँ गाड़ी में आए, लेकिन खैरना से आए को यहाँ पुलिस वाले ने रोड बंद कर की थी। 15 जून के इस अवसर पे कैची धाम में लाखों की संख्या में यहाँ भक्तजन और श्रद्धालु आते हैं। इसलिए ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए जो पुलिस वाले होते हैं वो एक या दो दिन के लिए जो रोड होती है वो बंद कर देते हैं। खैरना से आगे को हम शटल सेवा के थ्रू आए। शटल सेवा कैची धाम मंदिर से करीब 2 किलोमीटर पीछे तक ही थी। उससे आगे हम भक्तजनों को पैदल जाना था। बहुत से श्रद्धालुओं ने यहाँ जो भक्तजन आए हुए थे उनको फ्री पानी पिला के, यहाँ उनको ठंडा पिला के अपना योगदान दिया। यहाँ देखिए कितनी भीड़ लग रही है श्रद्धालुओं की। करीब 500 या 600 मीटर की लाइन लगी हुई है, और कई श्रद्धालु तो यहाँ एक या दो दिन पहले से ही आके रुके हुए हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार से दोनों ही साइड को इतनी ही लंबी लाइन लगी हुई है। दूर दूर से आके लोगों ने यहाँ अपने स्टॉल लगाए हैं, जैसे कि आप सभी लोग वीडियो में देख सकते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर पहुँचते ही यहाँ जूते चप्पल संभालने की एक बहुत अच्छी टोकन व्यवस्था की गई थी। जब हम मंदिर के अंदर पहुँचे तो हमें बताया गया कि यहाँ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना मना है, तो मैंने बाहर से ही वीडियो बनाई है। मंदिर के अंदर एक अलग ही पॉजिटिव वाइब थी। यहाँ लोग श्री राम और नीम करोली बाबा के जयकारे लगा रहे थे। यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। मैं भी आपसे कहूँगा कि आप यहाँ आए, यहाँ के दर्शन करें, आपको भी यहाँ बहुत शांति मिलेगी।